नमस्कार साथियों, आज मैं आपको राजेंद्र बाला घोष अर्थात बंग महिला की कहानी चंद्रदेव से मेरी बातें सुनाने वाला हूँ। इस कहानी का प्रकाशन 1904 ईस्वी में हुआ था तथा भावदेव पांडे जैसे विद्वान इसे हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी मानते हैं। इस कहानी में लेखिका ने चंद्रमा को माध्यम बनाकर भारत की सरकार, यहाँ की राजनीति तथा यहाँ की व्यवस्था पर करारा व्यंग किया है। तो आइए सुनते हैं इस कहानी को। भगवान चंद्रदेव, आपके कमलवत कोमल चरणों में इस दासी का अनेक बार प्रणाम। आज मैं आपसे दो चार बातें कहने की इच्छा रखती हूँ। देखो, सुनी अनसुनी मत कर जाना, अपने बड़प्पन की ओर ध्यान देना। अच्छा, कहती हूँ, सुनो। मैं सुनती हूँ आप इस आकाशमंडल में चिरकाल से वास करते हैं, क्या यह बात सत्य है? यदि सत्य है तो मैं अनुमान करती हूँ कि इस सृष्टि के साथ ही अवश्य ही आपकी भी सृष्टि हुई होगी। तब तो आप ढेर दिन पुराने हुए, बूढ़े कहे जा सकते हैं। यह क्यों? क्या आपके डिपार्टमेंट में ट्रांसफर होने का नियम नहीं है? क्या आपकी गवर्नमेंट पेंशन नहीं देती? बड़े खेद की बात है, यदि आप हमारी न्यायशील गवर्नमेंट के किसी विभाग में सर्विस कर रहे होते तो अभी तक आपकी बहुत पदोन्नति हो गई होती, और ऐसी पोस्ट में रहकर भारत के कितने ही सुरम्य नगर, पर्वत, जंगल और झाड़ियों में भ्रमण करते। अंत में इस वृद्धावस्था में पेंशन प्राप्त कर काशी जैसे पुनीत और शांत धाम में बैठकर हरिनाम स्मरण करके अपना परलोक बनाते। यह तो हमारी बड़ी भूल हुई। भगवान चंद्रदेव, क्षमा कीजिए, आप तो अमर हैं, आपको मृत्यु कहाँ, तब परलोक बनाना कैसा? ओहो, देवता भी अपनी जाति के कितने पक्षपाती होते हैं। देखो ना, चंद्रदेव को अमृत देकर उन्हें अमर कर दिया। तब यदि मनुष्य होकर अंग्रेज अपनी जाति वालों का पक्षपात करें तो आश्चर्य ही क्या? अच्छा, यदि आपको अंग्रेज जाति की सेवा करना स्वीकार हो तो एक एप्लीकेशन हमारे आधुनिक भारत प्रभु लॉर्ड कर्जन के पास अवश्य भेज देवें। आशा है कि आपको आदरपूर्वक अवश्य आह्वान करेंगे, क्योंकि आप अधम भारतवासियों की भांति कृष्णांग तो हैं नहीं जो आपको अच्छी नौकरी देने में उनकी गौरांग जाति कुपित हो उठेगी। और फिर आप तो एक सुयोग्य, कार्यदक्ष, परिश्रमी, बहुदर्शी, कार्यकुशल और सरल स्वभाव महात्मा हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि जब लॉर्ड कर्जन हमारे भारत के स्थायी भाग्य विधाता बन जाएंगे, तब आपको किसी कमीशन का मेंबर नहीं तो किसी मिशन में भर्ती करके अवश्य भेज देंगे, क्योंकि उनको कमीशन और मिशन दोनों ही अत्यंत प्रिय हैं। आपके चंद्रलोक में जो रीति और नीति सृष्टि के आदिकाल में प्रचलित थे वे ही अब भी हैं, पर यहाँ तो इतना परिवर्तन हो गया है कि भूत और वर्तमान में आकाश और पाताल सा अंतर हो गया है। मैं अनुमान करती हूँ कि आपके नेत्रों की ज्योति भी कुछ अवश्य ही मंद पड़ गई होगी, क्योंकि आधुनिक भारत संतान लड़कपन से ही चश्मा धारण करने लगी है। इस कारण आप हमारे दीनहीन क्षीण प्रभ भारत को उतनी दूर से देखने में भली भांति समर्थ न होंगे। अतएव आपसे आदर करती हूँ कि एक बार कृपा कर भारत को देख कर तो जाइए। यद्यपि इस बात को मैं जानती हूँ कि आपको इतना अवकाश कहाँ, पर आठवें दिन नहीं तो महीने में एक दिन अर्थात अमावस्या को तो हॉलीडे अवश्य ही रहती है। यदि आप चाहें तो उस दिन भारत भ्रमण कर सकते हैं। इस भ्रमण में आपको कितने ही नूतन दृश्य देखने को मिलेंगे, जिसे देखकर सहसा आपकी बुद्धि ही चकरा जाएगी। यदि आपसे सारे हिंदुस्तान का भ्रमण न हो सके तो कम से कम केवल कलकत्ता राजधानी को ही देख लेना अवश्य ही उचित होगा। वहाँ के कल कारखानों को देखकर आपको अवश्य ही कहना पड़ेगा कि यहाँ के कारीगर तो विश्वकर्मा के भी लकड़दादा निकले। यही क्यों, आपकी प्रिय सहयोगिनी दामिनी जो मेघों पर आरोहण करके आनंद से अटखेलियाँ किया करती हैं, वह बेचारी भी यहाँ मनुष्य के हाथों का खिलौना होकर रह गई है। भगवान निशानाथ, जिस समय आप अपनी निर्मल चंद्रिका को बटोर मेघमाला अथवा पर्वत की ओट से सिंधु की गोद में जा सकते हैं, उस समय यही नीरदवासिनी विश्वमोहिनी सौदामिनी अपनी उज्ज्वल मूर्ति से आलोक प्रदान कर रात को दिन बना देती है। आपके देवलोक में जितने देवता हैं उनके वाहन भी उतने ही हैं, किसी का गज, किसी का हंस, किसी का बैल, किसी का चूहा इत्यादि, पर यहाँ तो सारा बोझ आपकी चपला और अग्निदेव के माथे मर दिया गया है। क्या ब्राह्मण, क्या क्षत्रिय, क्या वैश्य, क्या शूद्र, क्या चांडाल, सभी के रथों का वाहन वही हो रही है। हमारे श्वेतांग महाप्रभुगण को जहाँ कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ा, झट उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी को लापटका, बस कठिन से कठिन कार्य सहज में संपादित हो जाता है। और हमारे यहाँ के उच्च शिक्षा प्राप्त युवक काठ के पुतलों की भांति मुंह ताकते रह जाते हैं।
जिस व्योम वासनी विद्युत देवी को स्पर्श तक करने का किसी व्यक्ति में साहस नहीं हो सकता था, वही आज पराये घर में आश्रिता नारियों की भांति ऐसे दबाव में पड़ी है कि चूं तक नहीं कर सकती। क्या करें, बिचारी के भाग्य में विधाता ने दासी वृत्ति ही लिखी थी। हरि पदोद्भवा, त्रैलोक के पावनी सुरसरी के भी यहाँ खोटे दिन आ गए हैं। वह भी अब स्थान स्थान पर बंधन ग्रस्त हो रही है। उसके वक्षस्थल पर यहाँ मोटे मोटे वृद्धाकार खंभ गाड़ दिए गए हैं। कलकत्ता आदि को देखकर आपके देवराज सुरेंद्र भी कहेंगे कि हमारी अमरावती तो इसके आगे निधि फीकी सी जान पड़ती है। वहाँ ईडन गार्डन तो पारिजात परिशोभित नंदन कानन को भी मात दे रहा है। वहाँ के विश्वविद्यालय के विश्वश्रेष्ठ पंडितों की विश्वव्यापिनी विद्या को देखकर वीणा पाणी सरस्वती देवी कहने लग जाएगी कि निसंदेह इन विद्या दिग्गजों की विद्या चमत्कारिणी है। वहीं के फोर्ड विलियम के फौजी सामान को देखकर आपके देव सेनापति कार्तिकेय बाबू के भी छक्के छूट जाएंगे, क्योंकि देव सेनापति महोदय देखने में खासे बंगाली बाबू से जचते हैं और उनका वाहन भी सुंदर मयूर है। बस इससे ही उनके वीरत्व का भी खूब परिचय मिलता है। वहां के मिंट यानी टकसाल को देखकर सिंधु तनया आपकी प्रिय सहोदरा कमला देवी तथा कुबेर भी अक्षका जाएंगे। भगवान चंद्रदेव इन्हीं सब विस्मयोत्पादक अपूर्व दृश्यों का अवलोकन करने हेतु मैं आपको सादर निमंत्रित तथा सविनय आहूत करती हूँ। संभव है यहाँ आने में आपको अनेक लाभ भी हों। आप जो अनादिकाल से निज उज्ज्वल विपु में कलंकी की कालिमा लेपन करके कलांकी, शशांक, शशधर, शशलांछन आदि उपाधि मालाओं से विभूषित हो रहे हैं, सिंधु तनय होने पर भी जिस कालिमा को आप आज तक नहीं धो सके, वही आजन्म कलंक शायद यहाँ के विज्ञान पंडितों की चेष्टा से छूट जाए। जब बंबई में स्वर्गीय महारानी विक्टोरिया देवी की प्रतिमूर्ति से काला दाग छुड़ाने में प्रोफेसर गज्जर महोदय फलीभूत हुए, तब क्या वे आपके मुख्य कालिमा छुड़ाने में फलीभूत न होंगे? शायद अभी तक आपको यह बात विदित नहीं हुई कि आप और आपके स्वामी भगवान सूर्य पर जब हमारे भूमंडल की छाया पड़ती है तभी आप लोगों पर ग्रहण लगता है। पर आपका तो अब तक वही पुराना विश्वास बना हुआ है कि जब कुटिल ग्रह राहु आपको निगल जाता है तभी ग्रहण लगता है। पर ऐसा थोथा विश्वास करना आप लोगों की भारी भूल है। अतः हे देव, मैं विनय करती हूँ कि आप अपने हृदय से इस भ्रम को उखाड़ फेंकें। अब भारत में न तो आपके और न आपके स्वामी भुवन भास्वर सूर्य महोदय के वंशधरों का साम्राज्य है, और न अब भारत की वह सस्य श्यामला स्वर्ण प्रसूता मूर्ति ही है। अब तो आप लोगों के अज्ञात एक अन्य द्वीपवासी परम शक्तिमान गौरांग महाप्रभु इस विशाल भारतवर्ष का राज्य भोग कर रहे हैं। अब तक मैंने जिन बातों का वर्णन आपसे स्थूल रूप में किया वह सब इन्हीं विद्या विशारद गौरांग प्रभुओं की कृपा कटाक्ष का परिणाम है। यूं तो यहाँ प्रतिवर्ष पदवी दान के समय कितने ही राज्य विहीन राजाओं की सृष्टि हुआ करती है, पर आपके वंशधरों में जो दो चार महाराज नाम मात्र के हैं भी वे काठ के पुतलों की भांति हैं। उन्हें उनके रक्षक जैसे नचाते हैं वैसे ही वे नाचते हैं। वे इतना भी नहीं जानते कि उनके राज्य में क्या हो रहा है, उनकी प्रजा दुखी है या सुखी। यदि आप कभी भारत भ्रमण करने आए तो अपने फैमिली डॉक्टर धनवंतरी महाशय और देवताओं के चीफ जस्टिस चित्रगुप्त जी को भी अवश्य साथ ले आए। आशा है कि धनवंतरी महाशय यहाँ के डॉक्टरों के सन्निकट चिकित्सा संबंधी बहुत कुछ शिक्षा लाभ कर सकेंगे। यदि प्लेग महाराज, ईश्वर न करे, आपके चंद्रलोक या देवलोक में घुस पड़े तो वहां से उनको निकालना बहुत सहज बात न होगी। यहीं जब चिकित्सा शास्त्र के बड़े बड़े पारदर्शी उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सके तब वहां देवलोक में जड़ी बूटियों के प्रयोग से क्या होगा? यहाँ के इंडियन पीनल कोड की धाराओं को देखकर चित्रगुप्त जी महाराज अपने यहाँ की दंड विधि को बहुत कुछ सुधार सकते हैं, और यदि बोझ न हो तो यहाँ से दो चार टाइपराइटर भी खरीद कर अवश्य ले जाएं। जब प्लेग महाराज के अपार अनुग्रह से आपके ऑफिस में कार्य की अधिकता होगी तब उससे उनकी राइटर्स बिल्डिंग के राइटर्स के काम में बहुत सुविधा होगी और वे लोग दो दिन का काम दो घंटे में कर डालेंगे। अच्छा, अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। मैंने तो आपसे बहुत सी बातें कही पर खेद है आपने उनके अनुकूल या प्रतिकूल एक बात का भी उत्तर न दिया, परंतु आपके इस मौनावलंबन को स्वीकार का सूचक समझती हूँ। अच्छा, तो मेरी प्रार्थना को कबूल करके एक दफा यहाँ जरूर आइए। आज की कहानी तो यहीं खत्म होती है।
यदि आप अभी तक रुके हुए हैं और आपने पूरी कहानी सुनी है तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय मुझ तक जरूर पहुंचाएं, और ये भी बताएं कि आगे आप किस विषय पर वीडियो चाहते हैं। अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।